हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाया, दिविशा हैरान होकर उसे देखने लगी। लक्ष्य के एक कदम आगे बढ़ने पर पंडित जी ने थोड़े डरे स्वर में कहा, जजमान आपको शादी विधि पूर्वक करनी चाहिए, विधियों का उल्लंघन करना अपशगुन को बुलावा देना होता है। इस पर लक्ष्य ने उनको घूरते हुए कहा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए पंडित जी, आप यहाँ शादी करवाने आए हैं तो उस पर ही ध्यान दीजिए। लक्ष्य चौधरी खुद सबसे बड़ा अपशगुन है, आप शादी करवाइए, विधियाँ कैसे पूरी करनी है वो हम देख लेंगे। और ये कहकर वो आगे बढ़ गया। वहीं लक्ष्य की ये बात सुनकर पंडित जी सहम से गए और उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लक्ष्य ने दिविशा को अपनी गोद में लेकर 7 फेरे पूरे किए। वहीं दिविशा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर लक्ष्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका मकसद केवल दिविशा से शादी करना था, जो वो बखूबी पूरा कर रहा था। सारी रस्में पूरी होने के बाद पंडित जी ने आखिरी आहूति अग्नि में डालने के बाद कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। इतना सुनते ही लक्ष्य के चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने दिविशा की तरफ देखा, जो एकदम बेजान सी वहां बैठी थी। उसकी मांग में लगा सिंदूर और गले में लटका मंगलसूत्र ये गवाही दे रहा था कि अब वो लक्ष्य चौधरी की हो चुकी है। उसके सारे अरमान एक पल में चूर हो गए थे और अब तो उसे ये भी विश्वास हो गया था कि ये सब कोई सपना नहीं है। उसके गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान बखूबी नजर आ रहे थे कि तभी लक्ष्य अपनी जगह से उठता हुआ बोला, पंडित जी आपकी दक्षिणा आपके घर पहुंचा दी जाएगी। वहीं लक्ष्य के इस तरह उठने पर गठबंधन होने के कारण दिविशा को एक झटका सा लगा, जिससे उसकी तंद्रा टूटी। फिर लक्ष्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उठो अब लेट हो रहा है। पर दिविशा उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती, इसलिए वह उसे हाथ से खींचकर उठाता है और फिर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी एक छोटी सी बच्ची पीछे से आकर दिविशा का लहंगा पकड़ते हुए कहती है, रुको। ये सुनकर दिविशा के कदम वहीं जम जाते हैं और वो धीरे से पलटकर देखती है तो वो बच्ची अपनी मासूम आंखों से उसे देख रही थी। उसे देख दिविशा के मुंह से धीमी आवाज में निकला, चाहत। और इतना कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। चाहत ने उसके लहंगे को खींचते हुए कहा, आप इन गंदे अंकल के साथ क्यों जा रहे हो, अब चलो वापस चलो। और इतना कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसे खींचने का प्रयास करने लगी। इस पर दिविशा का रोना निकल गया और वो नीचे बैठकर उसे अपने गले से लगाती हुई बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाई। मैंने कितने वादे किए थे ना, उनमें से मैं एक भी पूरा करने के काबिल नहीं रही, कितनी बुरी हूं ना मैं। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं चाहत उसके इस बात पर बोली, पर आप क्यों बुरी हो मम्मा, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो ना। जैसे ही चाहत ने दिविशा को मम्मा कहा, लक्ष्य की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वो भी दिविशा के पास नीचे बैठा और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया। ऐसा क्या कहा होगा लक्ष्य ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।